तो वहीं अगली खबर आ रही है फतेहपुर से। आपको बता दें कि दरोगा ने शराब के नशे में धुत होकर दो व्यक्ति को कुचला, जिसमें एक की मौत हुई, दूसरा व्यक्ति हुआ गया। आरटीओ ऑफिस के सामने मंगलवार की देर रात दरोगा की कार की चपेट में आ जाने से एक मोटर मैकेनिक की मौत हो गई, वही दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मृतक के परिजन ने जिला चिकित्सालय पहुंच रोककर रोड पे शव रखकर पुलिस का प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल अभी भी बोली उत्तेजित लोगों को समझा बुझा कर शव को जिला अस्पताल के मर्चरी हाउस में रखवा दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के सदर अस्पताल पहुंच गए। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि NH2 में टायर की दुकान है, वहीं उसका 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद साहिल राजसी खराब मिस्त्री है, जो कि 22 वर्षीय युवा नवे ट्रक में पेंटिंग का काम करता है। ऐसा ही ने घायलों को उठाकर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने साहिल को मृत घोषित कर दिया। हमारा लड़का था, हमारा एक छोटा हमारा कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या था पूरा मामला? हमारा लड़का काम करके आ रहा था, इसने थाना था पुलिस किनारे थे, एकदम गाड़ी सीधा सीधा चला दियो, ये भी साथ ये थे भाई पे इनकी दुकान पे गाड़ी नहीं चला था, मेरा लड़का बहुत सीधा पुलिस वाले ने से मारा है, क्या चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सफिया।